मेरा नाम मुजफ्फर अंसारी है, मैं मध्य प्रदेश के चंदेरी छोटे से कस्बे से आया हूँ। मैं एक बुनकर परिवार से हूँ और मेरे पास किसी भी तरह का कोई डिप्लोमा नहीं है। मेरा बचपन बड़ा परेशानियों वाला था। मैं जब 5वीं क्लास में था तो मेरे को स्कूल छोड़ना पड़ा। मेरे पिताजी परंपरागत साड़ियाँ बनाया करते थे और वो चाहते थे कि जब स्कूल छोड़ दिया तो क्यों ना अपने परंपरागत काम में इनको इन्वॉल्व किया जाए, लेकिन मेरा मन उसमें नहीं लगा। मेरे पिता ने मेरे को एक दुकान, किराने की दुकान पर नौकरी दिलाई 15 रुपया महीने पर। दिन में मैं काम करता दुकान में और शाम को रात में स्टॉकीज में जाकर मूँगफली बेचता। दोनों को मिलाकर 1 रुपया एक दिन का मेरे को मिलता। ये मेरा काम चलता जा रहा था। एक रोज़ चंदेरी में किसी एक फॉरेन का एक ग्रुप आया और उसका ग्रुप लीडर कार चलाते हुए कि सड़क पर से जा रहा था कि एक एक्सीडेंट हो गया उसका। उसने अपनी कार का गेट खोल करके देखा कि कितनी लग गई है उसको, लड़के को, तो उसने देख नहीं पाया। इससे पहले उसने उसको थप्पड़ मार दिया और वो फॉरनर दुबला पतला था, गिर करके बेहोश हो गया। वो लड़का भाग गया। वो सारी परेशानियाँ मेरे साथ आ गई क्योंकि मेरे को, मेरा जो असली नाम मुजफ्फर अंसारी है बट मेरा जो रंग है इसके नाम से मेरे को कल्ले भाई लोग कहते हैं। तो इस नाम की वजह से उस लड़के का भी नाम कल्ले भाई था और मेरा भी। वो सारी परेशानी मेरे साथ छोड़ गया और लोग मेरे पास आके पूछने लगे कि भाई तुमने किसी को क्यों मार दिया। मेरी उत्सुकता जागी और मैं उस ग्रुप की तलाश में निकला। जब हम उस तक पहुँच गए देखा जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के कुछ प्रोफेसर, कुछ कॉलेज ऑफ फ्रांस के प्रोफेसर एक जगह इकट्ठे हैं। बातचीत हुई। बातचीत के दौरान पता लगा मैंने अपना जो निकनेम था मेरा वो नहीं बताया क्योंकि परेशानी मेरे साथ आ गई थी। वो मैंने उनको असली नाम बताया मुजफ्फर, तो इत्तेफाक से जिस प्रोफेसर से बात कर रहा हूँ उनका भी नाम मुजफ्फर। बातचीत होने के बाद उन्होंने कहा कि तुम चंदेरी के हो। कुछ बातें उन्होंने मेरे से पूछी। मेरा बचपन से कुछ राइटिंग, कुछ डायरी में कुछ लिखने का शौक था। मेरे नाना 116 साल तक जिए, उनकी बहुत बड़ी उम्र थी। उनकी उम्र के हिसाब से मैं बहुत सारी चीज़ें उनसे, कहानियाँ, उनके किस्से, चंदेरी के बारे में, आसपास के बारे में लिखा करता था। जब फ्रांस के लोगों को दिखाया तो उनके काम का नज़र आया और उन्होंने मेरे को उस टीम में सदस्य बना दिया और मैंने फ्रांस की टीम में एक बहुत बड़ा एक मौका, अवसर मिला मेरे को कि एक बगैर पढ़ा लिखा शख्स और एक स्कॉलर्स के साथ में काम करने के लिए जुड़ गया। 7 साल तक मैंने लगभग उनके साथ काम किया। हर साल 15-20 दिन उनके साथ में काम करता। मेरा जितना मैंने मटेरियल इकट्ठे किया चंदेरी का, नाना से या लोगों से, वो मैं एक किताब की शक्ल दे करके और छपना चाहता था उसको, लेकिन वो नहीं छप पाया। फ्रांस के लोगों का जब अपना प्रोजेक्ट पूरा हुआ, उनकी सारी किताबें जब निकली तो उसमें शुरू के पेजों में मेरे बारे में उन्होंने, जितना मैंने उनकी मदद किया, जितना उनके साथ काम किया उसके लिए उन्होंने धन्यवाद ज्ञापित किया और ये भी लिखा कि ये प्रोजेक्ट कभी तो पूरा होता लेकिन आज जिस शक्ल में ऐसा नहीं होता, क्योंकि मैं एक लोकल का बंदा था। शहर के अंदर, शहर के आसपास बहुत सारे काम ऐसे किए थे जो वो नहीं कर सकते थे और वो सारा पूरे दुनिया की यूनिवर्सिटियों में वो सारी किताबें हमारी पहुँच गई। जब मैं विदेशी लोगों के साथ काम कर रहा हूँ तो लोगों ने मेरे को गाइड कहना शुरू कर दिया, हालांकि मैं गाइड नहीं था। जब लोगों ने गाइड कहना शुरू किया तो मैंने क्यों ना गाइड का काम किया जाए और मैं गाइड की तरफ आ गया। धीरे धीरे काम करते करते हर साल लगभग 40 से 50 कंट्रीज के लोगों को मैंने चंदेरी को विजिट कराने का अवसर मिलने लगा मेरे को। चंदेरी में किसी प्रकार का होटल रेस्टोरेंट नहीं था। जिन कंपनियों के साथ काम कर रहा हूँ उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि क्यों ना एक खाना आप अपना एक फैमिली के साथ रखें। 2009 से लेकर आज तक लगभग 15,000 फॉरनर्स को मैंने अपने घर पर फैमिली के साथ में खाना खिलवाया। इसके साथ में मेरा इस तरफ, इतिहास की तरफ मेरा रुझान बढ़ गया। जैसा मैंने बताया मैं 5 क्लास पढ़ा हूँ, लेकिन मैंने कुछ सिक्के इकट्ठा शुरू किया। सिक्कों में मेरे को पता लगा कि इसमें कुछ नकली सिक्के होते हैं,
तो इसको जब तक पढ़ा नहीं जा सकता तब तक आप इसको नहीं समझ सकते। मैंने 10 तरह की स्क्रिप्ट पढ़ना सीखा आउट ऑफ स्कूल। देखा कि इंडिया का सबसे पहला स्क्रिप्ट कब शुरू हुआ और कैसे शुरू हुआ। मेरे को पता लगा कि ब्रह्मी सबसे पहला स्क्रिप्ट है जिसकी जिससे सारे हिंदुस्तान के जितने भी स्क्रिप्ट निकल रहे हैं उर्दू अरबी और फारसी छोड़ करके वो सारे उससे आ रहे हैं। मैंने धीरे धीरे उसको पढ़ना शुरू किया क्योंकि जिस जगह मेरा शहर है वो नॉर्थ साउथ हाईवे जिसको हम दक्षिणापथ कहते थे उसके लाइन पर था वो। तो अशोका जो ग्रेट अशोका है जब वो मथुरा से सांची तरफ या उज्जैन तरफ जा रहे हैं तो बीच में चंदेरी पड़ रहा है। अगर मेरे को उसकी रॉक एडिक्ट मिलते हैं तो मैं कैसे पढ़ूंगा, तो मैंने वो भी सीखा। मैंने ब्राह्मी सीखी। ब्राह्मी के साथ में एक खरोष्ठी, आप अगर कोई इसमें हिस्ट्री वाला जानते होंगे, एक खरोष्ठी स्क्रिप्ट पैरेलली चल रहा है, उसको थोड़ा सीखा। फिर उसके बाद में नीचे आकर के गुरुमुखी, गुजराती, बंगाली, उर्दू, हिंदी और साथ में इसके एक्चुअल में उर्दू के स्क्रिप्ट अलग अलग नाम होते हैं, उर्दू हम कहते हैं उसमें है ना, नस्क है, नस्तालिक है और कूफिक है, ऐसे मिला के 10। लेकिन इसको दिमाग में कैसे रखा जाए, इसके लिए मेरे दिमाग में प्लान आया कि जितने भी फॉरनर्स चंदेरी में आ रहे हैं क्यों ना इनकी नेम प्लेट लिख करके और उनको दी जाए और उसके साथ में एक इनाम रखा जाए, 4-5 भाषा में उनके नाम लिखे और जब मेरे घर पर वो डिनर के लिए आ रहे हैं तो उनके प्लेट के साइड से रख दिए और उनसे कहा कि 1 मिनट का टाइम है, अगर आप अपना कार्ड अपने अंदाज से उठाते हैं कि ये मेरा है तो आपको चंदेरी की किताब, मैंने 4 किताब चंदेरी पर लिखी है, मैं भूल गया हूँ बताना आपको, 4 किताबें लिखी है, 3 किताब मेरी अभी छपने गई हुई हैं। उसमें एक किताब उनको गिफ्ट कर दी, लेकिन किताब कौन सी थी जिसमें चंदेरी के पोस्ट कार्ड हैं। जब पोस्ट कार्ड वो जब लेके जाएंगे तो उनको ये भी रिक्वेस्ट की कि आप इसको यहीं से पोस्ट कीजिए, इससे हमको पता लगेगा कि चंदेरी में कितने फॉरनर्स आ रहे हैं और कितना लोगों यहाँ से भेज रहे हैं। लेकिन वो पोस्ट कार्ड पे पीछे हमारा नाम भी है, टूरिज्म को डेवलप करना है, चंदेरी अननोन टाउन था, तो कई उसके रास्ते अपनाए हमने। जब ये पोस्ट कार्ड हमने उनको लिखवाए तो एक दिन मौका है कि हमने पोस्टल डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट की कि क्यों ना एक ऐसा स्टैम्प बनाया जाए, कैंसिलेशन स्टैम्प जो लगाया जाए तो इससे चंदेरी का प्रचार प्रसार होगा। तो उन्होंने कहा आप बनाइए। मैंने एक ड्राइंग बनाया और उसको दिया, वो अप्रूव हो गया। तो चंदेरी से जितनी भी आउटगोइंग पोस्ट जाती है उसमें मेरा स्टैम्प लगाते हैं वो। एक और काम हुआ साथ में, जिस वक्त मैं ये गाइड करते करते आगे बढ़ता गया, मध्य प्रदेश टूरिज्म के पास में फीडबैक आना शुरू हुए कि एक चंदेरी में बंदा है जिसको आपने ये किया, तो मेरे को 2 मरतबा बेस्ट गाइड का अवार्ड, अभी पिछले महीने की 2 तारीख को और 2013 में मध्य प्रदेश टूरिज्म ने बेस्ट गाइड का अवार्ड दिया। मैंने जब ये सब कुछ कर रहा हूँ तो चंदेरी पहाड़ियों से घिरा बुंदेलखंड का एक हिस्सा है और वो विंध्यांचल रेंजेस से घिरा हुआ है, बहुत सारी नदियाँ हैं, पहाड़ियाँ हैं, उनको विजिट किया, 39 जगह मेरे को मंदिरों के अवशेष मिले। मैंने उनको उनके बारे में लिखा तो एक्सपर्ट ने बताया कि ये 5th सेंचुरी से लेकर के और 12th सेंचुरी के बीच के सारे मंदिर हैं और ये तुमने एक अच्छी खोज की है। उसी दरमियान कुछ गुफाएं मेरे को मिली जिसमें आपने भीमबेटका का नाम सुना होगा, एक वर्ल्ड हेरिटेज रॉक पेंटिंग साइट है, उसी तरह की 11 साइट मेरे को खुद को मिली और जब मैंने इनको लिखना शुरू किया तो लोगों ने मेरे तरफ आना शुरू किया। मैंने गाइड करते करते 15 से 20 लोगों को PhD करने में मदद की और मेरी बगैर पढ़ाई लिखे मैं थैंक यू मेरा बगैर पढ़ा लिखा होना मेरे कभी आड़े हाथ नहीं आया और मैं कदम दर कदम बढ़ता चला गया। और एक दिन ये आया कि अब लोग जो है ना साल भर में मेरी पूरी एक गाइड की उसमें बुकिंग होती है, लोग मेरे को फ्रांस से फ़ोन कर रहे हैं, कैनेडा से फ़ोन कर रहे हैं और पूछते हैं कि इन दिनों में आप खाली हैं तो हम आप पे आते हैं। अगर हमने उनको बता दिया कि इन दिनों में खाली नहीं तो वो वीज़ा अपना चेंज करके वो जिस दिनों में खाली उस दिनों में चंदेरी पहुँचते हैं। और लोगों को टूरिज़म स्टार्ट करने से पहले आपने चंदेरी हमारा जो है ना वो भोपाल और ग्वालियर के बीच में एक जगह है, आसपास में जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं उसमें ग्वालियर है, शिवपुरी है, ओरछा है, खजुराहो है, सांची है, मांडू है, उसके बीच के में ही है। टूरिज्म स्टार्ट करने से पहले हमने एक स्टडी की कि इनके हमारे कल्चर पे क्या अच्छे प्रभाव पड़ते हैं, क्या खराब प्रभाव पड़ते हैं। एक चीज़ पाई हमने उसमें
कि फॉरनर्स अपना दरिया दिली दिखाने के लिए रास्ते में चलते हुए बच्चों को चॉकलेट, पेन, कापी और कुछ चीज़ें दिया करते, जिससे बच्चे नेक्स्ट जब ग्रुप आता है तो पीछे जा करके मांगना शुरू कर देते हैं। उससे हमारी छाप और हमारा वैल्यू ख़राब होती है। मैंने एक दिमाग में एक प्लान आया कि क्यों ना इनकी दरिया दिली को स्कूल में दिखाया जाए, और मैंने देखा कि कितने ऐसे स्कूल हैं जिसमें गरीब बच्चे हैं जो कापी, पेन और किताबें नहीं खरीद सकते, उनकी लिस्टिंग की, और उनसे कहा कि आप प्लीज़ यहाँ मत दीजिए, हम आपको स्कूल लेके चलते हैं। स्कूल में ले जा करके पहले पूछा किस कंट्रीज के लोग हैं, उनसे रिलेटेड छोटे छोटे सवाल ब्लैक बोर्ड पे लिखे, और लिख करके और किसी बच्चे से जो नीडी बच्चे, उनसे कहा कि बताओ ये किस देश की राजधानी है। उसने बता दिया तो उसको गिफ्ट के तौर पर, इनाम के तौर पर कापी और पेन दे दिया। ऐसा हज़ारों रुपये की पेन और कापी हर साल देना शुरू किया। इससे दो चीज़ हमारी हुई, एक भी चंदेरी में आप कभी आइएगा, एक भी भीख मांगने वाला आपके टूरिस्ट के पीछे नहीं आएगा, बिल्कुल बगैर फ्री टाउन। सेकंड थिंग इज, हालांकि ये छोटे शहर में ये पॉसिबल है, बड़े शहर में मुश्किल है। ये बाजार में जितने भी दुकानें हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट किया कि देखिए अगर ये फ्री घूम रहे हैं तो आपसे सामान खरीदेंगे, अगर आपने ओरछा खजुराहो उस तरह किया कि पकड़ करके ला करके कहा कि मेरा सामान खरीदिए, तो ये कभी नहीं आएंगे और आप सामान नहीं बेच सकते। उनसे रिक्वेस्ट की कोई भी एक भी सेल्समैन उनके पास आकर के ये नहीं कहता कि आप मेरे पास आइए और मेरा सामान खरीदिए, और वो आराम से सामान खरीदते। तीसरी चीज़ ये कि दाम के लिए हमने रिक्वेस्ट की कि दाम जो भारतीयों के लिए वही उनके लिए होना चाहिए। तो ये चीज़ों से बहुत सारे लोग, मेरे पास हज़ारों पेज लिखे हुए हैं फॉरनर्स के, जिसमें उन्होंने लिखा कि अगर आगरे में ताजमहल ना हो तो हम रिक्वेस्ट करें कि चंदेरी में हम एक रात ज़्यादा रुकेंगे। लोगों का नेचर, लोगों को उनका फ्री होना, ये सारी चीज़ें। और जब ये हम सब करते आ रहे हैं तो मेरी डिस्कवरी जितनी भी मैंने रिसर्च की हैं या खोजें की हैं उसके बारे में, लंदन में एक ब्रिटिश लाइब्रेरी है, ब्रिटिश म्यूजियम में दो पार्ट हैं, कोई गया हो देखा होगा, उसमें उन्होंने मेरे दो आर्टिकल अपने जर्नल में छापे वहाँ से। और एक बहुत बड़ी बात है कि एक ब्रिटिश लाइब्रेरी पूरी दुनिया जानता है कितनी बड़ी है, उसमें दो आर्टिकल मेरे उन्होंने छापे कि ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर और किस तरह से इनका सपोर्ट जो है ना गवर्नमेंट पीछे से कर रही है। एक लास्ट बात मैं आपसे कहता हूँ कि चंदेरी अगर मध्य प्रदेश के सारे डेस्टिनेशन देखते हैं आप, जो हेरिटेज सिटीज़ हैं उसमें अगर 50 किलोमीटर का दायरा चंदेरी में खींचते हैं आप, तो चंदेरी से ज़्यादा हेरिटेज किसी भी एरिया में नहीं है। अभी हमने डॉक्यूमेंटेशन किया, 600 मॉन्यूमेंट शहर के अंदर हैं, कि चंदेरी पहला टाउन होगा जो पूरा सिटी वर्ल्ड हेरिटेज सिटी के लिए हम लोग फाइट कर रहे हैं, तो उम्मीद है। और मेरे एक छोटी सी दुकान चलाता हूँ जिसमें फोटोकॉपी वगैरह कंप्यूटर रखा हुआ है। मेरे बेटे से मैंने कहा कि हम तो मेरा साथ दो और कुछ चंदेरी के मॉन्यूमेंट जो गिर रहे हैं मेरी नज़र के सामने, जो डिसअपीयर हुए हैं, क्यों ना हम इसको संरक्षित करें। 55 मॉन्यूमेंट्स का हमने एक लिस्ट बनाया, और एक हमारे आयुक्त थे मिस्टर पंकज राग मध्य प्रदेश पुरातत्व के, उनको बुलाया, उन्होंने खड़े खड़े सारा हमने उनके मालिकाना हक किसका है, कब का हो सकता है, ये क्या इसकी कंडीशन है, 55 मॉन्यूमेंट 3 घंटे में हमने प्रोटेक्ट कराए। आज चंदेरी में मध्य प्रदेश का 2nd नंबर का साइट है जिसमें सबसे ज़्यादा मॉन्यूमेंट प्रोटेक्टेड हैं। इस तरह से मैंने ये सब किया। और मैं आखिरी में आपसे एक संदेश, तो क्या मेरा निवेदन है आपसे कि आदमी के पास अपना लक्ष्य होना चाहिए। अगर लक्ष्य आपके पास है परेशानियाँ ज़रूर आएंगी, लेकिन दृढ़ता से आदमी खड़ा है तो उस परेशानियाँ भी दूर होती जाती हैं। और इसके साथ में मैं एक शेर आपको कहता हूँ, एक शेख सादी साहब का एक शेर है, उन्होंने कहा, शौक हर दिल के बाशद रहबरे दरकार नेस्त। अगर किसी शख्स के दिल में शौक पैदा होता है तो उसको रहबर की ज़रूरत नहीं होती, रास्ता खुद ब खुद मिलता चला जाता है, वो मंजिलें मिलती हैं। इस साथ मेरा वार्ता विराम करता हूँ। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।